इस वीडियो में हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के इम्पोर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सेक्शन 3 से शुरू करेंगे और सेक्शन 21 पर खत्म करेंगे। इन सेक्शंस को हम सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये आसानी से याद हो जाए। बात यहाँ पर GI के रजिस्ट्रेशन की शुरू होगी, तो हम सबसे पहले उसको बैठा देते हैं, उसको अपॉइंट कर देते हैं जो GI को रजिस्टर करेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 3 में रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब जब हमने अपॉइंट कर ही दिया रजिस्ट्रार को, तो अब उसको थोड़ी पावर दे देते हैं, जो कि सेक्शन 4 में दी है कि रजिस्ट्रार विड्रॉ कर सकता है मैटर को जो पेंडिंग में पड़ा हो किसी ऑफिसर के पास, और वो उस मैटर को रजिस्ट्रार खुद से डील कर सकता है। तो दोस्तों, अब रजिस्ट्रार ने मैटर को अपने हाथ में ले लिया। अब उस मैटर को सॉल्व करने के लिए बेचारे को कोई छत, कुछ कमरा, कुछ ऑफिस, ये सब तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब सेक्शन 5 में हमने ब्रांच ऑफिसेज और हेड ऑफिस एस्टेब्लिश करने की बात की है कि GI के रजिस्ट्री ऑफिसेज जो हैं, जो हेड ऑफिस उसका चेन्नई में है और ब्रांच ऑफिस इसके अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई में है। अब रजिस्ट्रार को जो है वो ऑफिस मिल चुका है, तो अब वो अपने ऑफिस में बैठकर रजिस्टर मेंटेन करेगा। सेक्शन 6 जो है बात करता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर की। उस रजिस्टर में रजिस्ट्रार नाम, एड्रेस और प्रोप्राइटर्स का सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें मेंशन करेगा। फिर सेक्शन 7 ये कहता है कि जो GI रजिस्टर होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें GI के यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के पर्टिकुलर्स होंगे, और पार्ट बी में जो ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उनके पर्टिकुलर्स होंगे। तो हमने सेक्शन 3 में रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट करी, फिर 4 में रजिस्ट्रार को पावर दी कि वो मैटर को खुद से डील कर सकता है, खुद से हैंडल कर सकता है। फिर हमने रजिस्ट्रार को ऑफिस प्रोवाइड करे और रजिस्ट्रार ने फिर ऑफिस में बैठकर रजिस्टर मेंटेन किया। और फिर हमने बताया कि रजिस्टर के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आई होप आपको अभी तक का समझ आ रहा होगा। तो अब चलते हैं सेक्शन 8 पे। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेक्शंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम रजिस्ट्रेशन की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमने रजिस्ट्रार को तो अपॉइंट कर ही दिया है और उसने रजिस्टर भी मेंटेन कर लिया है। सेक्शन 8 जो है वो ये बताता है कि GI की जो रजिस्ट्रेशन है वो गुड्स की रिस्पेक्ट में होगी। गुड्स बहुत तरह की होती हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन किस क्लास में होगा इस चीज़ को प्रोवाइड किया है सेक्शन 8 में। और सेक्शन 8 में 34 क्लासेस बताई गई हैं। सेक्शन 9 में बात की गई है ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ GI की, कि किन ग्राउंड्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा GI का। बेसिकली सेक्शन 9 में, नो मीन्स नो रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 में रजिस्ट्रार ने पहले से ही आपको ये बता दिया कि मैं इन ग्राउंड्स पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। अगर आपका GI लॉ के कंट्रेरी है, या फिर आपके GI का स्कैंडलस मैटर है, या फिर किसी की रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है, या फिर डिसीव या कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर सेक्शन 10 में रजिस्ट्रार ये कहता है कि सिमिलर GIs का तो रजिस्ट्रेशन मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो ऊपर लिखे रेड लेटर्स हैं, अगर इनमें आपका GI आता है तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। तो सेक्शन 10 जो है यहाँ पर सिमिलर GI की रजिस्ट्रेशन की बात करता है। तो सेक्शन 3 से हम शुरू हुए थे जिसमें हमने रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया था, और अब हम सेक्शन 10 तक आए कि जिसमें रजिस्ट्रार ने ये बताया कि मैं किन ग्राउंड्स पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा और कि मैं सिमिलर GIs का रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। तो मतलब बेसिकली उसने सारी अपनी शर्तें जो है रख दी। तो अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। अब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली पहले एप्लीकेशन दोगे, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ दोगे। इसी तरह से सेक्शन 11 में यही बात की गई है कि आप रजिस्ट्रेशन जब कराने जाओगे तो आप एप्लीकेशन दोगे प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, और आप ये भी बताओगे कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो इस GI के अंदर आता है। उस एप्लीकेशन में आप अपनी क्लास ऑफ गुड्स की बात करोगे, ज्योग्राफिकल एरिया बताओगे कि किस एरिया से आपकी गुड्स जो है ओरिजिनेट हुई हैं, और अपनी सारी डिटेल्स, अपना नाम, एड्रेस, ये सभी आप मेंशन करोगे। तो सेक्शन 11 यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करता है, और साथ ही साथ सेक्शन 11 यहाँ पर एक्सेप्टेंस की भी बात करता है। आप प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन दोगे और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन फिर सेक्शन 12 में ये बात आ जाती है कि रजिस्ट्रार अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि आपके GI का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्रार अगर आपकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, विड्रॉ नहीं करता, तो वो आपकी एप्लीकेशन की एडवर्टीजमेंट कर देगा। एडवर्टीजमेंट वो इसलिए करेगा कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई अपोज करना चाहता है, तो वो विदिन 3 months नोटिस दे दे। तो सेक्शन 14 जो है वो यही बात करता है कि ओपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन, कि अगर किसी पर्सन को कोई अपोज करना है उस एप्लीकेशन का, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके GI के रजिस्ट्रेशन से, तो वो एक नोटिस देगा रजिस्ट्रार को विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट।
बट अगर कोई अपोज नहीं करता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेक्शन 16 बात करता है सीधा रजिस्ट्रेशन की, कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 18 और 19 पर, जो बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन और रिन्यूअल की, कि मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये प्रोटेक्शन कितने ईयर्स तक के लिए आपके पास रहेगी, मतलब कितने टाइम तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। दोस्तों जीआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आपको वो रिन्यू कराना पड़ता है एक प्रिस्क्राइब्ड फीस देकर। अगर आप रिन्यू नहीं कराओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आपने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन पता लग गई, तो अब हम इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं कि अब आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सेक्शन 20 बात करता है कि जो अनरजिस्टर्ड जीआईज हैं वो एक्शन नहीं ले सकती इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट। मतलब अगर आपका जीआई जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी के अगेंस्ट जिसने आपका जीआई यूज़ किया हो उसके अगेंस्ट आप इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू कर सकते। दोस्तों जीआई का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में ये हेल्प करता है। सेक्शन 21 यही कहता है कि अगर आपका रजिस्टर्ड जीआई है तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने आपका राइट इन्फ्रिंज किया है, आपका जीआई का यूज़ किया है, उसके अगेंस्ट आप इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सेक्शन एक कहानी की तरह याद कर लेने हैं। हमने रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने से लेके, रजिस्ट्रार को ऑफिस में बैठाने से लेके, उसके रजिस्टर मेंटेन करने से लेकर, रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स बताए कि किन ग्राउंड्स पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, सिमिलर जीआईज का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर हमने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू करी, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने से लेके, हमने रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन की बात की और फिर उसके इफ़ेक्ट्स की बात की।